विवादों के बीच ऋषि कुमार शुक्ला ने संभाला सीबीआई निदेशक का कार्यभार। मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी और खुफिया विभाग के अनुभवी अधिकारी शुक्ला के पूर्ण निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से एजेंसी के कार्य में स्थिरता आने की संभावना है। नई दिल्ली सीबीआई के नवनिर्वाचित निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला के सोमवार को पदभार संभाल लिया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 1983 बैच के अधिकारी शुक्ला ऐसे समय में सीबीआई का कार्यभार संभाल रहे हैं जब एजेंसी तथा कोलकाता पुलिस के बीच विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है और केंद्र तथा पश्चिम बंगाल सरकारें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। सीबीआई के अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव की स्थिति कुछ अजीब हो गरीब हो गई और वह पश्चिम बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई का तत्काल जवाब नहीं दे सके। पश्चिम बंगाल में न सिर्फ सीबीआई टीम को हिरासत में लिया गया बल्कि साल्ट लेक के सीजीओ परिसर स्थित एजेंसी के कार्यालय की भी घेराबंदी कर ली गई। सीबीआई की एक टीम चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख राजीव कुमार से पूछताछ करने रविवार को उनके आवास पहुंची थी, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया और थोड़ी देर बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी और खुफिया विभाग के अनुभवी अधिकारी शुक्ला के पूर्ण निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से एजेंसी के कार्य में स्थिरता आने की संभावना है। एजेंसी पहले ही पूंजी घोटाला मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला कर चुकी है।